लोकी देख ली और अभी तक सोच रहे हो किसके एंडिंग में क्या हुआ, इसका फ्यूचर पे क्या सिग्निफिकेंस है और इन सब का मतलब क्या है, तो चलो इसी पे आज डिस्कस करते हैं। तो एंडिंग में हमने देखा कि लोकी टेम्पोरल लूम डिस्ट्रॉय करता है एंड जितने भी टाइमलाइंस वहां थे उनको अपने साथ कंबाइन करके एक ट्री बना लेता है। अब इस ट्री के बनने से मल्टीवर्स में फ्री विल है और यही लोकी का ग्लोरियस पर्पज है। लेकिन इससे क्या इम्पैक्ट होता है, क्या चेंज होता है जो कि ही हू रिमेन्स के टाइम में नहीं था, तो ये पॉइंट समझने के लिए हमें ही हू रिमेन्स का ओरिजिनल प्लान क्या था ये समझना पड़ेगा और आखिर वो टीवी के लिए क्या करता था, उसका रोल क्या था। तो देखो ही हू रिमेन्स ने क्या किया कि उसने मल्टीवर्स में ब्रांचेस बनने से रोके। ब्रांचेस बनने से रोकने का मतलब है कि उसने फ्री विल ही खत्म कर दिया था। जैसे मान लो कि मेन टाइमलाइन अर्थ 616 में पहले से ही डिसाइडेड है कि कौन सा कैरेक्टर क्या करेगा, अगर वो उस पाथ से कुछ अलग करता है, जैसे इमेजिन निक फ्यूरी कभी अवेंजर्स इनिशिएटिव करता ही नहीं एंड अवेंजर्स की टीम को बनाता ही नहीं, तो पूरे एमसीयू की स्टोरी कुछ और ही हो जाती, जिससे कि कई सारे नए टाइम ब्रांचेस बनते हैं। तो ही हू रिमेन्स इन्हीं टाइम ब्रांचेस को बनने से रोकता है टीवीए और टेम्पोरल लूम के हेल्प से। जब भी ऐसे ब्रांचेस बनते थे तो टीवीए वहां पहुंचकर उन ब्रांचेस को प्रून कर देती थी। बैकअप के लिए उसने टेम्पोरल लूम बना रखा था कि इन केस टीवी अपना काम करना बंद कर दे या डिस्ट्रॉय हो जाए या जो भी हो, तो टेम्पोरल लूम सारे ब्रांचेस को प्रून करके सिर्फ सैक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करेगी। अब पहले तो यहाँ ये इशू है कि फ्री विल के नाम की कोई चीज नहीं है और दूसरी इशू ये है कि ब्रांचेस प्रून करने का मतलब है कि बिलियंस ऑफ लोगों को कुछ सेकंड्स में ही मार देना। तो हाँ, ही हू रिमेन्स का मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करना एक अच्छा तरीका है, लेकिन थोड़ा कैजुअल है। और ही हू रिमेन्स ऐसा इसलिए नहीं होने देना चाहता था क्योंकि जब भी ब्रांचेस बनते हैं तो कैंग के वेरिएंट्स एक दूसरे से मिलना स्टार्ट कर देते हैं और नॉलेज शेयर करने लगते हैं। इन द एंड फिर से मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो हाँ, ब्रांचेस बनने का मतलब है इनडायरेक्टली ही हू रिमेन्स के किंगडम पे खतरा। तो इसी के लिए उसने ये पूरा खेल खेला, टीवीए बनाया। आई होप ही हू रिमेन्स क्या करता था ये अब आप समझ गए होंगे। अब लोकी को लेकर उसका प्लान ये था कि फॉर बिलियंस ऑफ इयर्स वो टीवीए पे रूल कर रहा था एंड ही रियलाइज्ड कि भले ही उसे जो कुछ भी चाहिए था वो सब मिल चुका है, लेकिन सेटिस्फेक्शन अभी भी नहीं है। तो इसलिए उसने सैक्रेट टाइमलाइन से एक ऐसे कैरेक्टर को चूज किया जिसको थ्रोन का उतना ही लालच है जितना कभी उसको था। एंड ऑब्वियसली लोकी और उसके वेरिएंट से अच्छा कैंडिडेट यहाँ कौन ही हो सकता है। तो फ्रॉम द स्टार्ट उसने ऐसे पास सेटअप किए जिससे कि लोकी उस तक पहुंच पाए। फॉर एग्जांपल, सिल्वी को बिना नेक्सस इवेंट के ही उसके टाइमलाइन को प्रून कर देना, अवेंजर्स का टाइम ट्रेवल करना एंड टीवीए का इंटरफेयर ना करना, आप मेरा पॉइंट समझ ही सकते हो, क्योंकि इनमें से एक भी चीज को वो रोकता तो भाई लोकी उस तक कभी नहीं पहुंच पाता। तो जैसा पाथ ही हू रिमेन्स ने सेटअप किया बिल्कुल वैसे ही लोकी उस तक पहुंच गया। फर्स्ट सीजन में हमें ही हू रिमेन्स का आधा प्लान समझ आया कि हाँ, वो चाहता है कि लोकी उसके जगह रूल करे एंड जैसे टीवीए चलता था वैसे ही चलता रहे, कुछ भी चेंज नहीं हो। इवन ही हू रिमेन्स को ये भी पता था कि सिल्वी उसको मार देगी, इवन उसके बाद भी एक लूप स्टार्ट होगा जिसमें अगेन लोकी वापस उसी जगह फिर से आएगा। मतलब हर सिचुएशन में लूप के चलते ही हू रिमेन्स का प्लान सक्सेसफुल ही होने वाला था। देन यहीं पर आता है लोकी का प्लान कि उसने क्या किया। जब वो दूसरे बार ही हू रिमेन्स से मिलता है तो वो अगेन उसको दो चॉइसेस देता है कि सिल्वी को मार दो और उसके जगह एंड ऑफ टाइम में रूल करो, जो कुछ भी सैक्रेट टाइमलाइन में है उसको प्रोटेक्ट करो एंड जैसा चल रहा था चलने दो, या फिर सिल्वी फिर से ही हू रिमेन्स को मार देगी एंड लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा एंड सेम चॉइस उसको बार बार मिलते रहेंगे। मतलब एक तरह से एंडलेस लूप हो गया। इसी मोमेंट पे लोकी को रियलाइज होता है कि जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस एंडलेस लूप को तोड़ना पड़ेगा। अब जो भी मेरा ब्रेकडाउन फॉलो करते होगे, भाई मैंने एपिसोड 1 के ब्रेकडाउन में ही ये पॉइंट मेंशन किया था। इवन लोकी का जो ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया था, उन सारे पोस्टर्स में भी ऐसी ही एंडलेस लूप दिखाए गए थे। बाय द वे, ये पोस्टर्स आप मेरे वेबसाइट raster.com से भी परचेस कर सकते हो, लिंक मैंने पिंड कमेंट में दे दिया है। तो हाँ, लोकी को ये तो रियलाइज हो गया कि उसे ये लूप तोड़ना है, लेकिन उसने ऐसा किया कैसे? तो आपको वो सीन तो याद ही होगा जहाँ ही हू रिमेन्स के चैम्बर में उसने बोर्ड पे एक इक्वेशन लिखा हुआ देखा था एंड बोला था कि व्हाट इफ ही चेंजेस द इक्वेशन। I'll change the equation. और हाँ, ये पॉइंट भी नोटिस करने लायक है कि ये जो लोकी था उसकी नॉलेज टीवीए को लेकर ही हू रिमेन्स के बराबर की थी। आपको एपिसोड में वो मोमेंट तो याद ही होगा जहां उसने ओबी एंड विक्टर टाइमली से पूछा था कि उनकी जितनी भी नॉलेज है वो सब सीखने में उसको कितना टाइम लगेगा एंड ये नॉलेज लेने में उसने सेंचुरीज लगाई थी।
तो हाँ, जिस मोमेंट पे उसने वो इक्वेशन देखा उसी मोमेंट वो जानता था कि अब वो ये इक्वेशन चेंज कर सकता है। फिर उसके बाद तो आपने देखा ही कि लोकी लूप तोड़ते हुए टीवीए का न्यू रूलर या फिर कर्ता धर्ता बना, जहां एक तरफ ही यूरेमेंस के टाइम पर फ्री विल नहीं थी लेकिन अब फ्री विल है। मतलब हर मोमेंट पे मल्टीवर्स एक्सपैंड हो रही है, ग्रो हो रही है, एंड अब किसी भी टाइमलाइन को प्रून नहीं किया जाता। लेकिन यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है कि भाई अब टीवीए क्या कर रही है, क्योंकि सिंस अब सबसे मेजर इशू वही है भाई, कैंग का कोई भी वेरिएंट कभी भी आ सकता है, एंड जो काम ही हु रिमेंस ने किया था वही काम फिर से करके टीवीए को फिर से चेंज कर सकता है, और इसी से सेटअप हो जाती है अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। लेकिन हाँ, यहाँ भी दो सिनेरियो हो जाते हैं जो कि जोनाथन मेजर्स के रियल लाइफ जो केस चल रहा है उस पे डिपेंड करता है। अगर वो गिल्टी प्रूव हुए तो एमसीयू की स्टोरीज में ये बता दिया जाएगा कि टीवीए कैंग के सारे वेरिएंट्स को अच्छे से हैंडल कर ले रही है एंड कैंग अब प्रॉब्लम नहीं है, एंड मे बी उसके जगह किसी दूसरे मेजर विलन को लाइक डॉक्टर डूम को सेटअप कर दिया जाए। एंड अगर जोनाथन मेजर्स इनोसेंट प्रूव हो गए तो इजिली ये स्टोरी कैंग डायनेस्टी की तरफ तो मूव ऑन कर ही सकती है। हाँ, वापस अगर लोकी पे आए तो सीक्वेंस में जो आपने वो ट्री देखा था, ट्री के फॉर्मेशन को देखा था, उसका भी एक बड़ा सिग्निफिकेंस है। नॉर्स मिथोलॉजी में उसे एक ड्रेसिल बोला जाता है या फिर द वर्ल्ड ट्री बोला जाता है। एमसीयू में थॉर के फर्स्ट मूवी में जेन फॉस्टर को थॉर इसी ट्री के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है। देन थॉर द डार्क वर्ल्ड में हमें ये ट्री दिखाया भी गया है। कैप्टन अमेरिका के फर्स्ट मूवी के जिस सीन में रेड स्कल को टेजरेक्ट मिलता है, वहां भी इसी वर्ल्ड ट्री को आप बैकग्राउंड में देख सकते हो। एंड इवन स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में इसी ट्री को हमें दिखाया भी जा चुका है। बेसिकली ये ट्री नॉर्स मिथोलॉजी में 9 रियल्म्स को रिप्रेजेंट करती है और एमसीयू में तो अब पूरे के पूरे मल्टीवर्स को ही। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लोकी ही है जिसने मल्टीवर्स का क्रिएशन किया है, और इससे ये कंफ्यूज मत होना कि भाई लोकी के इवेंट्स तो अभी के हुए हैं तो पहले की स्टोरीज का क्या। तो भाई लोकी की जो पूरी स्टोरी है वो आउटसाइड टाइम हुई है, जहां टाइम मैटर नहीं करता। मतलब लोकी के लिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि एंड ऑफ टाइम में टाइम का फ्लो ही नहीं है। एंड फाइनली लोकी के इतने मेजर सेक्रीफाइस से हम सबको पता चला ही है कि भाई उसका ग्लोरियस पर्पस क्या था। तो होप सो कि आपको एंडिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई नो अभी भी बहुत सारे डॉट्स होंगे, तो इसलिए सोच रहा हूँ कि एक लोकी का डेडिकेटेड Q&A भी करूंगा। तो हाँ, वो सब मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करके जाना। लोकी का फाइनल एपिसोड का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और लोकी का म्यूजिक वीडियो ग्लोरियस पर्पस सुनने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।